आज रिलीज हो रही है सुशांत की मच अवेटेड फिल्म दिल बेचारा। दिल बेचारा फिल्म रिलीज का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था, अब ये इंतजार हुआ खत्म और फिल्म आज डिज्नी हॉटस्टार पर हो रही है रिलीज। आइए बात करते हैं फिल्म की लीड एक्ट्रेस संजना सांघी से, जिन्होंने दिल बेचारा फिल्म के बारे में हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वहीं अपनी जिंदगी के भी कई राज हमारे साथ शेयर किए हैं। अब ये तो आप सब जानते ही हैं कि जिंदगी सिर्फ जीने का नाम नहीं है, बल्कि हम जिंदगी के हर उतार चढ़ाव से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। हर पल जिंदगी कुछ नया सिखाती है, ऐसा ही कुछ एक्ट्रेस संजना सांघी का भी कहना है। संजना सांघी ने अपनी लाइफ से जुड़े किस्से भी हमारे साथ शेयर किए हैं, आइए देखते हैं। मुझे बताइए ना, क्या कुछ सोचा है बॉलीवुड में आगे का करियर, कैसी क्या क्या कुछ सोच रही है? सो आई थिंक मैं मुकेश सर के साथ भी ये डिस्कस कर रही थी कि इन अ वे दिल बेचारा ने स्पॉइल तो कर दिया है, क्योंकि जब पहली फिल्म में इतना कुछ करने को मिल जाता है एज एन एक्टर, आपके चैलेंज इतना बड़ा हो कि इतना काम डालना पड़ता है, तो लगता है कि अब यार नेक्स्ट चैलेंज इससे बड़ा चैलेंज तो होना पड़ेगा। तो एस्पिरेशन यही है कि कहानियां बताते रहूं, लेकिन एक कहानी दूसरे से बिल्कुल अलग हो, कि लोग जब वापस देखें 10 साल में भी तो शायद 10 किरदार ही देखें, 20 ना देखें, लेकिन हर एक याद रखें। ऑनेस्टली वो मेरी होप है। तो क्योंकि मुझे प्रेपरेशन करने में मजा आता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा फिल्में करूंगी, मुझे लगता है कि मैं चुन के करूंगी, लेकिन जिनको चुनू उन्हें पूरी शिद्दत से करूंगी। एक और बात है कि ये जो फिल्म, ये जो पूरा एक महीना था हमारे लिए, एक महीना और जो भी दिन बीत रहे हैं, इसने हमको बहुत कुछ सिखाया, आपको भी बहुत ज्यादा, जो हमने पिछले 10 सालों में नहीं सीखा होगा। ऐसी कौन कौन सी बातें आपने सीखी, क्योंकि आज हर दिन, हर एक दिन कुछ बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिल रही है, खासतौर से ये हादसा होने के बाद। मुझे बताइए क्या कुछ सीखा आपने? सर बहुत कुछ, आई थिंक जो जो लाइफ में सीखा है पिछले एक महीने में यूज करना पड़ा है, यू नो, क्योंकि जब आप, व्हेन यू आर ग्रोइंग अप और जब आप चैलेंजेस फेस करते हो, या तो स्कूल में या प्रोफेशनली, आपको बताया जाता है कि सिंसेरिटी जरूरी है और पेशेंस जरूरी है और रेजिलियंस जरूरी है। यही तीन चीजें आई थिंक पिछले एक महीने में दे हैव अलाउड मी टू मूव अहेड, कि रेजिलियंट रहो, जो हो रहा है बहुत ही कठिन है लेकिन यू विल गेट ओवर इट, और ऑनेस्ट रहो अपने मोमेंट को, अपने काम के प्रति। वेरी ट्राइंग टू कीप इट एज सिंपल एज आई।